नमस्कार दोस्तों, आयुषी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, सैमसंग का 32 मॉडल का टीवी आया है। इसमें दिक्कत क्या है वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। इसका पहले मॉडल नंबर आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसको पलट के मॉडल नंबर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है UA32N400ARLXL, ठीक है। इसमें जो है हम पहले एडेप्टर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 19 वोल्ट का एडेप्टर लगता है, ठीक है। तो एडेप्टर लगा करके हम आपको इसका प्रॉब्लम दिखाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले इसको एडेप्टर हम लगा के आपको दिखाते हैं। इसको नीचे से हम इसका एडेप्टर लगाते हैं, रिलीज करते हैं। ये स्टैंड बाई मोड में आ गया, ये स्टैंड बाई रिलीज हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है बैकलाइट इसका जल रहा है। देखिए इसका बैकलाइट जल रहा है, लेकिन इसमें इमेज नहीं है, ठीक है। तो देखते रहिए इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं, और देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बैकलाइट जल रहा है, लेकिन इसमें इमेज नहीं है। तो इमेज क्या करने से इसमें इमेज आएगा आप देख लीजिएगा। हम इसको पहले ओपन करके इसका प्रॉब्लम जो है आपको दिखाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखते रहिए। ये टीवी जो है हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। पूरी तरह ओपन करने के बाद खोल के आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिए, हमने ये जो टीवी है इसको बैक कवर इसका खोल लिया है, ठीक है। तो इसमें 19 वोल्ट का एक एडेप्टर लगता है, उसके बाद इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जो है इसको जो प्रॉब्लम है वो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, और क्या चीज़ से इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है वो भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखते रहिए। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, दूसरा टीवी हमने लगाया, लेकिन वही है। हम आपको फिर से इसमें लाइन दे करके दिखाते हैं। ये हमने इसमें लाइन दे दिया, ये स्टैंड बाई ऑन हो गया। तो अभी इसको थोड़ा सा फ्रंट साइड में से आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पे देखिए वही प्रॉब्लम वाला टीवी है, ठीक है। तो हम इसको रिपेयर करते हैं। तो पहले जो है इसको हम ये जो स्पीकर है इसको हटा लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको एक एक करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखते रहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है सी के वी लाइन होता है, और सी के वी लाइन कहाँ पे होता है ये देखिए, सिंगल कोप का पैनल है, ये सिंगल कोप है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहीं दोनों तरफ का जो सी के वी लाइन है, हम आपको दिखाते हैं, ये वाला सी के वी लाइन इधर होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरफ का हमने दिखा दिया, और दूसरी तरफ का दिखाते हैं इधर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों में से लेफ्ट या राइट में से कोई सी के वी लाइन हमारा शॉर्ट हो गया, इसके कारण हमारा डिस्प्ले पे ब्लैंक बता रहा है, डिस्प्ले पे कोई इमेज नहीं आ रहा। तो हम पहले जो है एक एक करके इसका शॉर्ट खोल करके देखेंगे किस में हमारा इस तरफ शॉर्ट है या इस तरफ शॉर्ट है, हम आपको दिखाते हैं, और इसको बना करके रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। तो देखते रहिए। यहाँ पे सी के वी लाइन शॉर्ट होने से इस तरह का प्रॉब्लम आता है, और इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको रिपेयर करता हूँ, देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए, प्रोग्रामिंग वोल्टेज, यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो वोल्टेज है वही आना चाहिए। इधर 3.3 वोल्टेज रेडी होना चाहिए, 3.3 वोल्ट यहाँ पे रेडी होना चाहिए, 3.3 रेडी है, ठीक है, रेडी है। और पैनल का जो वोल्टेज है वो तो 1/8 होगा, ठीक है, 1.8 वोल्ट होना चाहिए, तो 1/8 है, देखिए 1.8 इधर है। एबीडीडी वोल्टेज है इतना आ गया इसमें 29, ओके।
और बाकी सारा VGH VGL जो होता है ये सब जीरो है, ये वी ऑन वोल्टेज जीरो, बाकी VGL जीरो, ये सब वोल्टेज जीरो हो गया है। ठीक है, अभी इसको कट करना पड़ेगा, कट करके देखना होगा कौन सी साइड में शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कट हो रहा है हमारा CKB लाइन, यहाँ पे कट हो रहा है। और कट होने के बाद फिर से इसमें हम लाइन दे करके देखेंगे, इस साइड में कट करने के बाद, इस साइड में कट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं, नहीं तो दूसरे साइड में हम कट करेंगे। देखते रहिए, देखिए इस तरह से कट करना पड़ेगा। ये देखिए इधर एक साइड हमने हमारा जो CKB लाइन है वो हमने कट कर लिया इधर। ठीक है, तो हम इस तरफ कट करने के बाद लाइन दे करके देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है अभी AVDD वोल्टेज इधर रेडी होना पड़ेगा। यहाँ पे AVDD वोल्टेज अगर रेडी होगा तभी हमारा डिस्प्ले पे पिक्चर आएगा। अभी देखिए लाइन हमने दे दिया, ऑन कर दिया, ऑन कर दीजिए, ये हमने इसको ऑन कर दिया। देखिए यहाँ पर बैकलाइट आएगा, ये देखिए बैकलाइट आ गया। अभी इसमें AVDD वोल्टेज चाहिए, देखिए वोल्टेज नहीं आया, मतलब इस साइड का जो हमने CKB लाइट काटा है ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस साइड में होगा। तो इस साइड को जोर करके इस तरफ हम कट करेंगे, उसके बाद इसका वोल्टेज सब मेजर करके दिखाते हैं, उसके बाद पिक्चर भी दिखाएंगे। ठीक है, देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है हमने बोला था आपको, यहाँ पे दोनों तरफ CKB लाइन होता है, पहले हमने इस तरफ काटा था। ठीक है, इस तरफ जो काटा था यहाँ पे अच्छी तरह से जो काटा नहीं हुआ था, ठीक है, कोई भी लाइन इधर रह गया था, तो हमने फिर से इस तरफ भी काटा हुआ है, तो प्रॉब्लम इस साइड नहीं है, इसी साइड है। तो देखिए यहाँ पे लाइन हमने कट करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज सबको दिखाते हैं, AVDD वोल्टेज अभी सही से आ रहा है या नहीं। हमने TV को जो है लाइन में दे रखा है, अभी आपको देखते हैं। देखिए 14.7 वोल्ट इधर आ गया। ठीक है, ये वोल्टेज हमारा नहीं था। और तो दोस्तों हमारा जो है अभी जो वोल्टेज है इसका इसमें आना चाहिए, सही से वोल्टेज हमारा सारा वोल्टेज इधर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 14 वोल्ट आ रहा है, और इसमें जो वी ऑन वोल्टेज ये देख लीजिए, वी ऑन वोल्टेज इसमें हो गया 33 वोल्ट वी ऑन वोल्टेज। ठीक है, और उसके जो VGL वोल्टेज है माइनस टेन वोल्ट रेडी हो गया, बाकी पैनल का वोल्टेज रेडी है अभी। अगर ये देख लीजिए -10 वोल्ट आ गया, -10 वोल्ट। पे 33 वोल्ट आ गया। अभी इसमें हम जो हमने कट किया है वहाँ पे इस तरह हमने कट किया है, इस तरफ का लाइन जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद हम पिक्चर आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा लाइन जोड़ने की प्रक्रिया चालू है, यहाँ पे साफ कर रहा है। तो उस साइड हमने ऐसे ही काट के दिखा था, वो अभी पहले जैसा था वैसे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम डिस्प्ले ऑन हुआ पिक्चर आया या नहीं हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से साफ़ करने के बाद यहाँ पे सोल्डरिंग होगा, सोल्डरिंग करने के बाद हम आपको इसका पिक्चर दिखाते हैं। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों, इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो जो भी मेरे जो मैकेनिक दोस्त है वो लोग अगर ये सब काम करेंगे तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये जो पैनल है ये अगर काम करने में आपको कोई नॉलेज नहीं है अच्छी तरह से, तो ये पैनल आपको ख़राब भी हो सकता है।
ठीक है, तो आप बहुत सावधानी से काम करिएगा, देखते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में जुड़े रहने से ये आप सीख सकोगे, ठीक है। एलईडी का जितना सारा प्रॉब्लम है हम आपको ए टू जेड इसका वीडियो बना के दिखा देंगे, ठीक है, देखते रहिए। इस तरह से सोल्डिंग हो रहा है और सोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से सोल्डिंग हो गया, और इसको लाइन दे करके पिक्चर आपको दिखाते हैं, इसका इमेज आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये सब सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है जो भी सीकेवी लाइन यहाँ से कट किया था वो हमने इस तरह से जोड़ दिया है, ठीक है, और इस तरफ में हमने काटा था यहाँ पे भी जोड़ दिया है। तो जो सीकेवी लाइन हमारा शॉर्ट था उसी को ही हमने काट दिया है, बाकी सब जोड़ दिया है। तो अभी इसमें जो है हम इमेज देखेंगे आता है या नहीं, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे पहले इसको लाइन दे करके इसमें पिक्चर आता है या नहीं आपको दिखाते हैं, ठीक है। लाइन पर करें तो दोस्तों हमने इसमें जो है पावर ऑन कर दिया है, तो इसमें जो है फ्रंट साइड इसका दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए इमेज इधर बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पिक्चर लगा के दिखाते हैं ये टीवी हमारा बराबर ओके हो गया या नहीं, आप देखते रहिए। देखिए अभी तो जो है इमेज बन रहा है, हम पिक्चर दिखाते हैं आपको, देखते रहिए। तो यहाँ पे हम पिक्चर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये टीवी हमारा बराबर ओके हो रखा है, ठीक है, पिक्चर इसका बढ़िया से आ रखा है। ये हमने इसको बंद कर दिया, फिर से इसको चालू किया, अभी देखिए ये पिक्चर आने वाला है, देखते रहिए। ये देखिए सैमसंग का लोगो आ गया, ये देखिए पिक्चर भी आ गया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, आप आज के लिए इतना ही।